सिंगर नेहा कक्कड़ सोशल मीडिया पर अक्सर किसी न किसी वजह से ट्रोल होती रहती हैं। कभी अपने लुक्स को लेकर तो कभी रियलिटी शो में अपनी ओवर एक्टिंग के लिए। वो अब तक कई बार ट्रोलर्स के निशाने पर आ चुकी हैं। अब नेहा को अपने एक रिमिक्स सॉन्ग के लिए खरी खोटी सुननी पड़ रही है, लेकिन इस बार मामला गंभीर होता हुआ दिख रहा है क्योंकि एक बड़ी सिंगर भी इसमें कूद पड़ी। दरअसल नेहा कक्कड़ ने हाल ही में अपना नया म्यूजिक वीडियो लॉन्च किया है, जो 90 के दशक के आइकॉनिक सॉन्ग मैंने पायल है छनकाई का रिमिक्स है। इस नए गाने का नाम ओ सजना है, जिसे टी सीरीज ने बनाया है। कास्ट की बात करें तो नेहा कक्कड़ ने गाने के अलावा वीडियो में एक्टिंग भी की है। उनके साथ बिग बॉस फेम प्रियांक शर्मा भी गाने में शामिल है। गाने के सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस गाने की ओरिजिनल सिंगर फाल्गुनी पाठक के सपोर्ट में उतर आए हैं। फैंस ने पुराने अच्छे गानों को बर्बाद करने के लिए टी सीरीज और नेहा दोनों को लताड़ लगाई। हालांकि नेहा कक्कड़ के इस गाने पर फैंस के अलावा ओरिजिनल सिंगर फाल्गुनी पाठक को भी गुस्सा आ चुका है। उन्होंने अपने इंस्टा में कई फैंस के रिएक्शन को शेयर किया है और फाल्गुनी ने इस पूरे मामले में इंटरव्यू भी दिया है, जहां लीगल एक्शन लेने की बात पर फाल्गुनी ने कहा कि काश वो ऐसा कर पाती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इस गाने के अधिकार उनके पास नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नेहा ने इतने ताने सुनने के बाद ट्रोलर्स की बोलती बंद कर दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर हेटर्स को करारा जवाब दिया है। नेहा कक्कड़ ने कुछ घंटे पहले ही इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो उनकी सिंगिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नेहा लिखती है कि मैं आज कैसा फील कर रही हूं। इस दुनिया में बहुत ही कम लोगों को वो फील होता है। जो मुझे मिला है वो बहुत ही कम लोगों को मिला है, वो भी बहुत कम उम्र में। इस तरह का फेम, प्यार, अनगिनत हिट गाने, सुपर डुपर हिट टीवी शोज, वर्ल्ड टूर, छोटे बच्चे से लेकर 80-90 साल तक के बुजुर्ग फैन और क्या नहीं, मुझे ये सब मिला है मेरे टैलेंट, हार्ड वर्क, पैशन और पॉजिटिविटी की वजह से। इसलिए आज मैं भगवान और उन सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने वो सब दिया है जो आज मेरे पास है। मैं भगवान की सबसे खुशकिस्मत बच्ची हूँ। आप सभी को जिंदगी भर की खुशियाँ मिले। वेल, दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस तरह की नई से नई अपडेट्स जानने के लिए आप जुड़े रहिए 5 तरह न्यूज एंटरटेनमेंट के साथ। Oh,